भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। कल ये मैच खेला जाएगा, उसके बाद टेस्ट मैच खत्म हो जाएंगे, उसके बाद T20 सीरीज होगी और वनडे सीरीज उसके बाद खेली जाएगी। लेकिन इस बीच टीम इंडिया के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, अच्छी खबर ये आ रही है कि टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पूरी तरह से फिट हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूँ पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं NM स्पोर्ट्स। रविंद्र जडेजा के बारे में सारी अपडेट्स हम आपको देंगे। क्या वो टीम में शामिल हो सकते हैं, क्या उनकी कंडीशन है, कहाँ पर वो देखे गए हैं, क्या कुछ वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, जो पूरे वीडियो में जो उन्होंने दौड़ लगाते हुए वीडियो शेयर किया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन NM स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जानी है, उसके लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। उसमें तमाम नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, चाहे सूर्य कुमार यादव की बात कर लें, राहुल तेवतिया की बात कर लें, ईशान किशन की बात कर लें, या फिर वरुण चक्रवर्ती की बात कर लें। लेकिन एक खिलाड़ी जो लंबे समय से भारत की टीम में दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना तो टेस्ट मैच में, ना ही वनडे में, ना ही T20 में, उनका नाम है रविंद्र जडेजा। जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की जब सीरीज खेली जा रही थी तो वो घायल हो गए थे, उसके बाद से लगातार टीम से बाहर चल रहे हैं। लेकिन अब पता चला है कि रविंद्र जडेजा पूरी तरह से फिट हो गए हैं। वो NCM है, जो आपको मालूम है बेंगलोर में जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वहाँ पर हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो दौड़ लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि अब ऐसा माना जा सकता है कि वो पूरी तरह से फिट हो गए हैं। और ये आप समझ लीजिए कि T20 सीरीज जो खेली जानी है उसमें तो शायद वो नहीं खेलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। टेस्ट मैच कल से शुरू हो रहा है, इसमें तो वो पहले ही से नहीं खेल रहे थे। इसके अलावा T20 सीरीज होनी है, उसमें भी वो नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी टीम का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन वनडे जो मैचेस खेले जाने हैं, 3 वनडे मैचेस खेले जाने हैं, उसके लिए टीम इंडिया का ऐलान अभी नहीं हुआ है। उसमें रविंद्र जडेजा खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से फिट हैं। हो सकता है कि जल्दी NCA से BCCI के पास रिपोर्ट चली जाए और उसके बाद फिर जब टीम इंडिया का ऐलान होगा 3 वनडे मैचेस के लिए, उसमें वो खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको मालूम है कि IPL होगा। IPL में इस बार फिर रविंद्र जडेजा अपनी टीम के लिए, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स MS धोनी की कप्तानी वाली CSK के लिए खेलते हुए नज़र आएंगे। ये टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर है कि IPL से पहले और वनडे सीरीज से पहले रविंद्र जडेजा पूरी तरह से फिट हो गए हैं। जल्दी वो टीम इंडिया में शामिल किए जाएंगे और उसके बाद वो खेलते हुए भी नज़र आएंगे। इसलिए लगातार अपडेट्स हमारे आपको मिलते रहेंगे। किसी भी तरह के अपडेट्स हों, चाहे वो भारत इंग्लैंड सीरीज को लेकर कोई अपडेट हो या फिर IPL को लेकर कोई अपडेट हो, सारे अपडेट्स हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे लगातार। इसलिए अगर आपने अभी तक NM स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जो दिख रहा है आपको उस पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो भी हम आपके लिए लेकर जाएंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।